दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, वाइंडिंग मशीन से किस प्रकार से हम किसी भी स्टेटर का वाइंडिंग किस प्रकार करते हैं वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, मैं हूं जयंत कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल चामलिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये स्टेटर जो आपने देखा था, ये देख सकते हैं, ये SEC कंपनी का है। आज हम इसका फुल वाइंडिंग और इसका जो कटिंग होता है दोस्तों, वो भी हम आज देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मेरा वीडियो यदि दोस्तों पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो दोस्तों, ये रहा अपना कटिंग जुगाड़। ये देख सकते हैं छेनी, इस प्रकार से आपको थोड़ा हार्ड मटेरियल का जो है यहाँ पे कटिंग औजार लेना है। और ये जो देख सकते हैं कि लकड़ी का जो है गुटका, यहाँ पर आप ले सकते हैं और इसको कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे कटिंग करते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बार बार मैं यहाँ पे पैर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार होता क्या है कि जो इसका जो PVC पेपर है वो उड़ के आपके आंखों में भी आ सकता है, इसीलिए मैं ऐसा यूज़ कर रहा हूँ। देख सकते हैं, हमने इसका कटिंग कर लिया अच्छी तरीके से। और वाइंडिंग से पहले जो है हम इसमें पेपर PVC पेपर जो है इंस्टॉल करेंगे, डालेंगे। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि इसमें अंदर की तरफ जो है यहाँ पे 14 स्लॉट है, 14, और बाहर भी 14 स्लॉट है। तो कहने का मतलब ये जो स्टेटर है आपको 14+14 का स्टेटर है और 15 mm जो है इसकी मोटाई है दोस्तों। तो अब जो इसमें हम PVC पेपर जो है आपको इंस्टॉल करेंगे, वो भी अच्छी तरीके से इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि इसका ये स्लॉट जो देख रहे हैं कुछ यूनिक टाइप का आता है SEC का, और बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल्कुल फिट साइज का पेपर यहाँ पे हमें डालना होगा। यहाँ पे हमने 15R लिखा हुआ, यहाँ पे एक डब्बा लेते हैं उसमें 15 mm का, और रनिंग स्लॉट का जो है मतलब बाहर वाला स्लॉट का के लिए स्पेशल ये पेपर है, चूँकि अंदर वाला स्लॉट जो है आपको छोटा है, इसीलिए हम छोटा स्लॉट वाला पेपर जो है यहाँ पर यूज कर रहे हैं। देख सकते हैं, बिल्कुल फिट अच्छी तरीके से इसे फोल्ड करके हमें डालना होगा। यदि आपका पेपर का साइज जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया तो वायर जो है आपका इस पेपर के नीचे से आ सकता है, बिल्कुल फिट साइज होना चाहिए, ना लंबा ना चौड़ा में ज़्यादा। चलिए हम पेपर को इंस्टॉल कर लेते हैं। ये देख सकते हैं कि पूरे स्लॉट में हमने 14 स्लॉट अंदर वाला स्लॉट में जो है हमने पेपर इंस्टॉल कर लिया है। अब चलते हैं दोस्तों मशीन के पास, क्योंकि दोस्तों मेरे पास निश्याम कंपनी का मशीन है, देख सकते हैं। अब इसमें जो अंदर वाला स्लॉट का वाइंडिंग के लिए 2 नंबर का डायल लगता है यहाँ पर, यदि आपके पास अलग तरह का मशीन है तो उसमें आप अलग नंबर या अलग सेटिंग हो सकता है, अलग तरह का डायल हो सकता है। और इसका जो है आपको इस मशीन का खासियत यह है कि आप बिल्कुल एक हाथ से ही आप इसका डाई को चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल बिना किसी रेंच और पेचकस की सहायता से। ये देख सकते हैं हमने कितना अभी तो फास्ट में हमने यहाँ पे चेंज कर लिया है। और टर्ने जो इसमें हमने डालना है दोस्तों वो 350 टर्न, और वायर गेज 35 नंबर कॉपर वायर यूज कर रहे हैं, कॉपर वायर 35 नंबर यूज कर रहे हैं, और 350 टर्न हमने यहाँ पे मशीन पे सेट कर लिया है। अब स्टेटर को सेट करने के लिए इसको हम पीछे की तरफ लेते हैं, और ये वाला देख सकते हैं इसे लॉक करने वाला है। इस तरीके से स्टेटर को फिक्स कर लेना है। और ये कनेक्शन होल जो है मेरा, जो मैं जो रखता हूं दोस्तों वो ऊपर की तरफ रखता हूं, और बिल्कुल देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो आपका आगे डाई का जो आगे वाला पोजीशन वो बिल्कुल स्लॉट के बीच में आना चाहिए। और देख सकते हैं ये डाई थोड़ा सा यहां पे लूज आपको दिखाई दे रहा है, तो लूज को टाइट करने के लिए ये वाला जो नॉट है उसे आप इस तरीके से एक दूसरे के पास में आप ला के इसे स्टेटर और डाई के बीच की दूरी को कम कर सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, इस नॉट को जो है हम थोड़ा सा लूज़ करेंगे, उसके बाद जो है पुनः जो है इसे हम टाइट करेंगे। दोस्तों ये देख सकते हैं कि टाइट हो चुका है अपना, और ज़्यादा टाइट करने से ये स्टेटर जो है जाम हो जाएगा, ये आगे पीछे नहीं जाएगा। अब दोस्तों बात आ जाता है, ये जो देख रहे हैं आप वायर गार्ड, ये स्टील की पट्टी, ये भी कुछ ज़्यादा ही ऊपर की तरफ लगा हुआ है, चूँकि इसमें पहले दूसरा डाई था, 12 स्लॉट का डाई था, इसीलिए हम इसे ऊपर वाले पत्ती को नीचे की तरफ करेंगे, और नीचे वाला जो यहाँ पे दिया गया है पत्ती वायर गार्ड, उसे हम ऊपर की तरफ करेंगे। इतना करना है दोस्तों दोनों पत्ती को, दोनों वायर गार्ड को, कि सिर्फ वायर जो है अपना इस स्लॉट के अंदर जो है आराम से जाए, और स्टेटर का जो पत्ती है उसमें जो है ना फंसे ना लगे। ये देख सकते हैं हमने इसे सेट कर लिया अच्छी तरीके से, बिल्कुल इतना करना है जहाँ तक कि आपको वायर आसानी से आ जा सके। तो चलिए दोस्तों अब हम वाइंडिंग स्टार्ट करते हैं। जो पहला कॉइल जो मैं यहाँ पे वाइंडिंग करता हूँ दोस्तों, भरता हूँ, वो मैं फॉरवर्ड में अभी भर रहा हूँ, और कुछ इस तरीके से आपको मशीन, चूँकि अपना टर्न भी सेट था इसलिए हमने मशीन को यहाँ पे स्टार्ट कर लिया है, और पहला कॉइल जो यहाँ पे भरा जा रहा है, वाइंडिंग हो रहा है, पहला स्लॉट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद देख सकते हैं कि ये वाला वायर को जो है फर्स्ट स्लॉट जब कॉइल भरा जाता है, आपको बाईं तरफ यहाँ पे वायर को निकाल लेना है कुछ इस तरीके से खींच के, और उसके बाद जो है हमें यहाँ पे दोबारा से स्टेटर को पीछे करके फिर जो है दूसरा स्लॉट में यहाँ पे हम वाइंडिंग करेंगे। अब दोस्तों मशीन यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे सेट किया गया है, जो कि अब रिवर्स में चल रहा है यहाँ। दूसरा स्लॉट भी यहाँ पे भर चुका है दोस्तों। अब हम जो वायर निकालेंगे बाहर की तरफ, वो आपको राइट साइड दाहिने तरफ वायर को यहाँ पे खींच लेना थोड़ा सा, ये देख सकते हैं। उसके बाद फिर स्लॉट चेंज करेंगे, और हो सके तो उस वायर को जहाँ पर हमने खींचा था उसे कुछ एक दो सेकंड के लिए यहाँ पे पकड़ के रखेंगे, ताकि जो है कॉइल का फिनिशिंग अच्छी तरीके से आए, और फिर से दोबारा से हम मशीन चला देंगे, और मशीन जो है अपना यहाँ पे अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है दोस्तों। दोस्तों तीसरा कॉइल भी अपना वाइंडिंग हो चुका है। अब स्लॉट को फिर से दोबारा चेंज करेंगे हम स्टेटर को पीछे खींच के, उसके बाद जो है इस वायर को जो है फिर हम बाईं तरफ निकाल लेंगे और मशीन को दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे। तो दोस्तों कुछ इसी प्रकार से आपको, जिस प्रकार से हमने तीन स्लॉट को यहाँ पे वाइंडिंग किया है, तीन स्लॉट को बढ़ा है, उसी प्रकार से लेफ्ट राइट फॉरवर्ड रिवर्स करते हुए पूरे के पूरे 14 स्लॉट को जो है भर लेना है, वाइंडिंग कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरे अंदर वाला जो स्लॉट है स्टार्टिंग कॉइल, हमने यहाँ पे वाइंडिंग कर लिया है, पूरे 14 स्लॉट में हमने भर लिया है कॉइल को। अब इसमें बारी आती है कि इसका जो ढक्कन होता है, लॉक होता है, वो लगाने का। लॉक भी दोस्तों तीन चार साइज में आता है, जो स्टेटर के चौड़ाई के ऊपर जो है ये आपको मोटाई के ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों लॉक को इस तरीके से, जैसा कि हमने आप वीडियो में दिखा रहे हैं आपको, उसी प्रकार से लॉक को डालना है। ये देख सकते हैं कितनी आसानी से डल रहा है। दोनों कॉइल को दोनों उंगली से जो है कुछ इस तरीके से आपको थोड़ा सा दबा देना है, और लॉक को आसानी से यहाँ पे लगा लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टार्टिंग कॉइल लॉक भी हो चुका है। अब बारी आती है रनिंग स्लॉट पेपर लगाने का, क्योंकि इसमें अब हम रनिंग वाइंडिंग यहाँ पे करने वाले हैं, बाहर का वाइंडिंग करने वाले हैं। कुछ इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे पेपर बिल्कुल दोस्तों अच्छी तरीके से जो है पेपर लगा लेना है, बिल्कुल फिट साइज होना चाहिए पेपर का। और ये आपको मार्केट में जो है विभिन्न साइज में उपलब्ध हो जाएगा, वो आप
अपने चॉइस अनुसार जो है ले सकते हैं। और यदि आप प्रॉपर तरीके से जो है वाइंडिंग करना चाहते हैं तो ये पेपर आपको कम से कम 10 मॉडल में, आपको 10 टाइप में रखना होगा। अभी फ़िलहाल मेरे पास 10 टाइप का यहाँ पे पेपर है। चलिए इस तरीके से जो है अच्छी तरीके से हमें रनिंग स्लॉट में भी लगा लेना दोस्तों। हमने लगा लिया है और मशीन के पास जो यहाँ पे हम आ चुके हैं। चूँकि रनिंग कॉइल हमें यहाँ पे डालना है, तो रनिंग कॉइल डालने के लिए इसका डाई को भी हमें यहाँ पे चेंज करना होगा। अब दोस्तों 5 नंबर डाई यहाँ पे यूज़ करना होगा। इससे पहले हम स्टार्टिंग कॉइल के लिए जो है दो नंबर यूज़ किया था, अब हम 5 नंबर यूज़ करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अब जो रनिंग कॉइल डाला जाएगा वो आपको ये वाला जो देख रहे हैं ये लास्ट कॉइल है और ये वाला फर्स्ट कॉइल है। तो लास्ट और फर्स्ट के बीच से हम यहाँ पे यहाँ से शुरू करेंगे रनिंग कॉइल डालना, ताकि कॉमन वायर जो है निकालने में हमें दिक्कत ना हो। ये इस स्लॉट से हमें शुरू करना है रनिंग कॉइल डालना। तो चलिए दोस्तों अब स्टेटर को हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं और डाई को चेंज कर लेते हैं। ये देख सकते हैं 5 नंबर डाई हम यहाँ पे अब लगाएंगे। चूँकि 14+14 का रनिंग स्लॉट का डाई 5 नंबर है निज़ाम कंपनी का, और कुछ इस तरीके से हमने सेट कर लिया है। और टर्न को यहाँ पे हम 10 टर्न यहाँ पे बढ़ा देते हैं। 360 टर्न हम रनिंग कॉइल में डालेंगे 35 नंबर कॉपर वायर से। और इस रनिंग कॉइल को भी हम यहाँ पे फॉरवर्ड में शुरू करेंगे। फॉरवर्ड डायरेक्शन में पहला कॉइल डाल रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों जिस प्रकार से स्टार्टिंग कॉइल डाला था अब यहाँ पर फॉरवर्ड में, अब हम बाईं तरफ वायर को निकाल लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पहला कॉइल जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इस जो वायर है यहाँ पे इसे हम बाईं तरफ कुछ इस तरीके से निकाल लेंगे और स्लॉट को चेंज करके स्टेटर को पीछे करके दोबारा से जो है अब रिवर्स डायरेक्शन में जो है हम कॉइल बना रहे हैं दूसरा कॉइल। अब उसी प्रकार से सेकेंड कॉइल कंप्लीट हो चुका है। अब वायर को जो है हम यहाँ पे दाईं तरफ निकालेंगे। दाईं तरफ निकाल के स्टेटर चेंज स्लॉट चेंज करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे कॉइल को फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनाएंगे यहाँ पे। ये देख सकते हैं। और फिनिशिंग तो ही क्या कहना दोस्तों। यदि ये मशीन आप के पास है तो आप खुद समझ सकते हैं, और नहीं है तो आप इसका जो फिनिशिंग यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से फिनिशिंग आता है दोस्तों। देख सकते हैं इसी तरह से जो है आपको रनिंग कॉइल भी डाल के यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। पूरी 14 का 14 स्लॉट जो है यहाँ पे रनिंग कॉइल का भर चुका है और फिनिशिंग देख सकते हैं बेहद ही लाजवाब फिनिशिंग यहाँ पे आया है। अब दोस्तों रनिंग कॉइल को भी जो है हम यहाँ पे लॉक करेंगे। जिस प्रकार से हमने स्टार्टिंग कॉइल को लॉक किया था उसी प्रकार से हम यहाँ पे रनिंग कॉइल को भी लॉक कर देंगे। ये देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड में जो वायर निकला है दोस्तों वो लास्ट कॉइल से निकला हुआ है, और राइट साइड में जो दो वायर देख रहे हैं वो आपको फर्स्ट कॉइल से निकला हुआ है। अब जो दोस्तों हम कॉमन वायर बनाएंगे, इन दोनों राइट साइड वाला जो दोनों वायर है एक दूसरे को जोड़ के कॉमन वायर बनाएंगे। और उससे पहले जो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे पीवीसी का जो है टुकड़ा यहाँ पे हम इन दोनों कॉइल के बीच, फर्स्ट और लास्ट कॉइल के बीच जो है डाल देंगे। क्योंकि इससे क्या होगा कि शॉर्ट सर्किट नहीं होगा आपका कॉइल हीट होने के बाद। इमरजेंसी के लिए ये इन फ्यूचर के लिए जो हम ये पेपर यहाँ पे लगा देते हैं शॉर्ट सर्किट के लिए। अब इन दोनों वायर को हम यहाँ पर एक करके कॉमन वायर निकालेंगे और ये दोनों वायर में जो है हम कैपेसिटर के लिए कनेक्शन लीड जोड़ेंगे।